नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आइए रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। रुद्रपुर के पंतनगर थाने में पत्रकार भरत शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कुछ पत्रकारों के साथ एसपी सिटी और सीओ सिटी द्वारा अभद्रता करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। जनपद के तमाम पत्रकारों ने आज एसएसपी आवास के पास धरना देते हुए एसपी सिटी ममता बोहरा और सीओ अमित कुमार को तत्काल हटाने और झूठा मुकदमा वापस लेने की मांग की है। इस दौरान पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पत्रकारों के आंदोलन को व्यापार मंडल व तमाम नेताओं ने अपना समर्थन दिया है। दरअसल कल देर रात्रि पत्रकार भरत शाह को सूचना मिली थी सिडकुल चौकी क्षेत्र में एक खड़ी कार को एक नेता द्वारा टक्कर मार दी गई है और उसके साथ जमकर मारपीट की गई है। दोनों पक्ष के लोग जैसे ही सिडकुल चौकी पहुंचे थे तो दोबारा भाजपा नेता और उनके कार्यकर्ताओं ने पीड़ित पक्ष सहित पत्रकारों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद चौकी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। देर रात्रि तमाम पत्रकार भी चौकी पहुंच गए, जिसके बाद एसपी सिटी के आदेश पर सभी पत्रकारों को चौकी से बाहर कर दिया गया। लेकिन भाजपा नेता के इशारे पर पत्रकार भरत शाह, उनके भाई और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिससे गुस्साए पत्रकारों ने आज एसएसपी कैंप कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर एसपी सिटी और सीओ सिटी को हटाने की मांग की। साथ ही उन्होंने बाद में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन भी किया। देखिए, जो कल लगभग 9 बजे की घटना है, एक मेरे मित्र हैं, उनके साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। इस बात की सूचना को लेकर मैं मौके पर गया था और जैसे ही मैं सिडकुल चौकी गया था वहाँ पर भी किसी बात को लेकर हमारे दो पक्षों में नोकझोंक हो गया था। लेकिन शहर के कई अच्छे लोग थे, उन्होंने उनके मध्यस्थता में पूरे मामले में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, पूरे तरीके से बात निपट गई थी। उसके बावजूद पुलिस ने मेरे भाई और एक मेरे मित्र के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा कायम किया है। मेरा सवाल यह है कि जब दो पक्षों में मामला निपट गया था उसके बाद पुलिस को क्या जरूरत पड़ी कि हमारे खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए? तो इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं पत्रकारों में आक्रोश है और इसी मुद्दे को लेकर आज जनपद भर के पत्रकार एसएसपी आवास के बाद धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि इस पूरे मामले में जिन पुलिस के जो अधिकारी हैं एसपी सिटी और एससीओ सिटी, इन्होंने जो अभद्रता करी है पत्रकारों के साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई, उनका ट्रांसफर हर हालत में यहाँ पर हो। क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ वहाँ पर, जो मेरे पक्ष में पत्रकार बंधु आए हुए थे उनके साथ भी इन अधिकारियों द्वारा बदतमीजी की गई और साफ तौर से कहा गया तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ, इस तरह की बातें वहाँ पर की गई। तो कहीं ना कहीं पत्रकारों को लेकर इसमें आक्रोश है और साफ तौर से दोनों अधिकारियों के तबादले की मांग करते हैं। लालकुआ शहर के बीचों बीच स्थित अंबेडकर नगर पार्क में ब्रजलाल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें अनेकों विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लोगों की जांच कर उनको परामर्श दिया एवं निशुल्क दवाई वितरित की। इस अवसर पर हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर अजय पाल ने कहा कि हमारे हॉस्पिटल द्वारा प्रतिवर्ष कम से कम 25 शिविर क्षेत्र में लगाए जाते हैं, जिसमें मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र दोनों शामिल हैं। इन शिविरों में लोगों की मुफ्त जाँच, परामर्श एवं मुफ्त दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। उन्होंने कहा कि ब्रजलाल हॉस्पिटल की ओर से यथासंभव मुफ्त चिकित्सा शिविरों का क्रम आगे भी चलता रहेगा। देहरादून के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने 15 साल के नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 22 साल की युवती को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पीड़िता ने आरोप लगाया था कि विपक्षी द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, जिससे वह गर्भवती हो गई। युवती ने कहा कि 164 सीआरपीसी के बयानों में भी अंकित कराया गया कि विपक्षी द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए और अब शादी करने से मना किया जा रहा है। इस दौरान युवती ने अपनी उम्र 22 वर्ष बताई थी और अभियुक्त के संबंध में नगर निगम से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर उसकी उम्र 15 वर्ष, जन्मतिथि 16 अक्टूबर 2005 होना सामने आया। पुलिस को पता चला है कि जिस पर युवती ने आरोप लगाया है वो नाबालिग है। घटना के समय प्रतिवादी की उम्र 14 वर्ष 7 माह थी और विधिक प्रावधानों के अनुसार पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सही नहीं पाया गया, जिस कारण पीड़िता पर पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दिसंबर में एक महिला ने एक व्यक्ति पर यह आरोप लगाया कि उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और इसके कारण वो प्रेग्नेंट हो गई। इसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पाया गया कि जो महिला है वो तो बालिग है, लेकिन वो जो व्यक्ति जिस पर वो आरोप लगा रही है वो घटना के समय नाबालिग था। तो जो पोक्सो एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल है, ये पुरुष और महिला पर बराबर अप्लाई होता है। तो इस आधार पर जो विधिक प्राविधान है उनके अनुसार उस महिला के विरुद्ध कार्रवाई की गई और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। देहरादून में कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत ने कहा कि कमिश्नरी की बजाय गैरसैंण को जिला बनाना लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता, इसलिए गैरसैंण कमिश्नरी बनाने के फैसले पर पुनर्विचार किया जा सकता है, जरूरी हुआ तो फैसला वापस भी लेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और अब बीजेपी के नेता ही पूर्व मुख्यमंत्री के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। मेरी भी राय है कि गैरसैंण को जिला बना दें तो अच्छा विकास होगा वहाँ का। कमिश्नरी के मामले में हम बैठ के विचार करेंगे।
उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्रालय का नया जिम्मा मिलने के बाद धन सिंह रावत ने पहली बार पौड़ी पहुंचकर जिले के अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास की बैठक ली। धन सिंह रावत ने इस बैठक में कई अहम फैसले लिए। धन सिंह रावत ने बताया कि आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूती देने के लिए अब प्रदेश की करीब 7200 ग्राम सभाओं में आपदा का प्रशिक्षण ग्राम प्रहरियों और महिला मंगल दल को दिया जाएगा। इसके साथ ही किसी आपदा के घटित हो जाने पर आपदा राहत कार्य में तेजी लाने के लिए पटवारियों के साथ पुलिस कर्मियों को आपदा मोटरबाइक भी दी जाएगी, जिससे समय रहते आपदा घटना स्थल में पहुंचा जा सके। वहीं जल प्रलय जैसी आपदा में रेस्क्यू करने के लिए मोटर बोट भी एसडीआरएफ टीम को दी जाएगी। धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्रों की संवेदनशीलता को देखते हुए आपदा प्रभावितों को राहत दिलाने के लिए तमाम अस्पतालों को संपूर्ण सुविधा लैस बनाया जाएगा, जिससे आपदा प्रभावितों को समय पर उपचार मिल सके। धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश भर में 350 गांवों को पुनर्वास होना है, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। लगभग 7200 ग्राम सभाएं हमारे टोटल पूरे प्रदेश पर, हर ग्राम सभा में हम प्रशिक्षण भी कराएंगे। और मुझे लगता है कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार हम अप्रैल के महीने में करने वाले हैं, और जल्दी हम लोग भारत सरकार से भी मिलने वाले हैं। कुछ मानकों में भी हम शिथिलता इसमें देने वाले हैं, और मैं कह सकता हूँ कि अब सरकार ने आपदा के क्षेत्र में, जैसे हमने देखा होगा आपने कि रैणी गांव में जब आपदा आई तो पूरी सरकार जो है 10 घंटे में पूरे वहां इंतजाम कर दिए थे। तो मैं कह सकता हूं कि अब आपदा का पुनर्वास के लिए भी और आपदा से पहले क्या क्या हो सकता है इसके लिए भी सरकार अब मंथन कर रही है। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के बाग जाला में बीते एक सप्ताह से टूटी पाइपलाइन ठीक न होने के चलते लोगों के सामने पानी की समस्या उत्पन्न हो गई। वहीं लोगों को पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की समस्याओं को देखते हुए रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठवले के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य ने जल संस्थान के उच्च अधिकारी से वार्ता कर क्षेत्र की टूटी पाइपलाइन को बदलवाया, जिसके चलते बागजाला में पीने की पानी की जो समस्या थी वो दूर हो गई। वहीं उनको द्वारा की गई कार्रवाई पर बागजाला वासियों ने जल संस्थान एवं सरकार के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है। इधर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठवले के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बागजाला में पाइपलाइन टूट जाने के चलते कई लोगों के सामने पानी की समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसको देखते हुए उन्होंने तुरंत ही जल संस्थान के उच्च अधिकारियों के साथ बात की और समस्या से उनको अवगत कराया, जिस पर जल संस्थान द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए टूटी पाइपलाइन को बदल दिया गया है, जिसके चलते गांव में पानी की समस्या अब दूर हो गई है। उन्होंने कहा कि पानी न होने के चलते लगभग 300 परिवारों के सामने पानी का संकट मंडराने लगा था, लेकिन अब पाइपलाइन ठीक होने के चलते लोगों की पानी की समस्या दूर हो गई है। उन्होंने जल संस्थान एवं सरकार का आभार व्यक्त किया। हमारे गांव में कई समय से, कई एक दो हफ्तों से पेयजल की बड़ी समस्या हो रही थी, जिसके लिए हमें दूर दूर भटकना पड़ रहा था, पानी के लिए इधर उधर से पानी ला रहे थे। फिर हमारे गांव के पूर्व प्रधान श्री यशपाल आर्य जी द्वारा प्रयास किया गया, उनके द्वारा जो गांव में लाइन वो पाइप की कमी थी, प्लास्टिक के पाइप पड़े थे, उनके द्वारा लोहे के पाइप मंगवाए गए, वो डलवाए गए, और एक बड़ा सा एक वो मंगवाया गया वाल, वो डलवाया, तब जाके हमारे गांव की पानी की समस्या खत्म हुई है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।